अरे ऐसे कैसे जा रहे हैं? पहली मरतबा आई है ना ऐसा हमारे यहाँ। रुको तो सही, बैठो तो सही। आप फिक्र ना करें, हमें आज ही जाना है वापस। अरे ऐसे कैसे खड़े खड़े चले जाएंगे? मैं खाना वाना बनाती हूँ ना, बैठो तो सही। इसकी जरूरत नहीं है, आपने जितना करना था कर लिया, मजीद ऐसा ना करें, इसी में बेहतरी है आपकी। मेरा बच्चा आ जा, मेरी जान का टुकड़ा। ज्यादा चोटें तो नहीं आई ना? ये मोटरसाइकिल ना बड़ी बुरी सवारी होती है, इस पर आइंदा कभी मत बैठना। दादी की दुआएं हमेशा तेरे साथ होंगी। क्या मुंह धुला दे इसका, और मैं इसके लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। क्या खाएगा? हाँ क्या खाएगा पता ना? जुल्फी देख तो सही, कैसा पीला हल्दी जैसा रंग हो गया मेरे बच्चे का। ठीक हो जाएगा अम्मा, जाने को। जा शाबाश, जा जा। मैं अच्छा सा आमलेट और पराठा बनाती हूँ तेरे लिए। हाँ जुल्फी, जुल्फी बेटा, जुल्फी एक बात बतानी थी तुझे। अभी तो आया हूँ अम्मा, सबर कर नीचे आके बात करता हूँ। नहीं नीचे नहीं बता सकती ना, नीचे तो वो होगी, और तुझे पता है उसे मेरी कोई बात अच्छी लगती ही नहीं है। अच्छा बोल। शहजादी को रुख्सत कर दिया मैंने। तेरी गैर मौजूदगी में करना पड़ा, अगर ये होती ना तो कभी भी ना होने देती। शहजादी खुश है, और गुलाम साहब ने कहा है, वादा किया है कि वो शहजादी को पढ़ाएंगे। तू चुप क्यों है, बोल क्यों नहीं रहा? देख तूने खुद ही कहा था ना मुझे कि मेरा जो जी चाहे करूं। ये गलत, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तुमने अच्छा नहीं किया माँ। क्या अच्छा नहीं किया? शादी की है ना, आज नहीं तो कल करनी ही थी ना शादी उसकी। और जुल्फी तूने खुद इजाजत दी थी मुझे। शहजादी कहाँ है? शहजादी, या अल्लाह, शहजादी तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ। शहजादी शहजादी कहाँ है? जहाँ उसे होना चाहिए। बताओ मुझे शहजादी कहाँ है? अपने घर, शादी कर दी मैंने उसकी। क्या? क्यों किया तुमने ऐसे?
मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, लेके जाऊंगी मैं तुम्हारा, मेरी बच्ची मुझे वापस चाहिए, लेकर आओ उसे वापस, लेकर तू सब वापस लेकर आ, उसे तुम नहीं बोले बीच में, छोड़ दो, ना है वो, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ दो, मुझे बता कर दो, क्या कर रहा है, जुल्फी छोड़ो मेरा हाथ, मैं कहती हूँ छोड़ो मेरा हाथ, जुल्फी एक मिनट आयजा। अच्छा बेटा मैं अब चलती हूँ, मैंने जो मेडिसिन लिख के दी है वो मंगवा लेना और फौरन इनको एक डोज दे देना। जी ठीक है। बात सुन, कैसी औरत है, खूबसूरत है। वो औरत नहीं अम्मा, वो शहजादी है। शहजादी? तेरी सहेली शहजादी? या मेरे खुदा, और जब मैं कहती थी कि तेरी नस्ल गंदी है, बेटी की सहेली को बेटी जैसा मान, तो कहता था बेटी की सहेली बेटी है। बस एक लम्हा अब मैं और इस घर में नहीं रहूंगी। इस दिन के लिए बेटों को जवान करती है माएं कि अपनी बीवियों से पिटवाएं? होता ना मेरा तुफैल अगर यहाँ पर, मैं देखती कैसे इसको घर से बाहर ना निकालता, उठा के बाहर फेंक देता। अरे जहाँ जाना चली जाए, लेकिन मुझे बताकर जाए कि मेरी बेटी कैसे रहा, तो मैं नहीं जाने दूंगी। मरती मर जाऊंगी लेकिन ये नहीं बताऊंगी कि शहजादी कहाँ है, मेरी भी ये जिद है। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? पूछो अपनी माँ से, शहजादी का पता लेकर दो मुझे, फिर जहाँ दफा होना हो जाए, लेकिन मुझे बताकर जाए शहजादी कहाँ है। कोई कहीं नहीं जा रहा है, अम्मा बताओ शहजादी कहाँ है। मैं थूकती हूँ इस घर पर, तुझ पर, तेरी बीवी पर और तेरे बच्चों पर। तूने अपने सामने अपनी बीवी से अपनी माँ को पिटवाया है, तशद्दुद किया है, पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। ना को चने ना चबवा दिए ना, तो मेरा नाम भी शमसा नहीं है। शराफत से बताकर जाओ मेरी बेटी कहाँ है, इस तरह नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं बताऊंगी, हरगिज नहीं बताऊंगी, और मैं देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। अम्मा शहजादी क्या है बताओ, अम्मा कहाँ जा रही हो तुम? अम्मा शहजादी बताओ किधर है? नहीं बताऊंगी अम्मा। क्या कर रही हो तुम, कहाँ जा रही हो, बताती क्यों नहीं हो शहजादी कहाँ है? दफा हो जा जुल्फी, दफा हो जा, मत रोक मेरा रास्ता, चल दफा हो जा, जाकर कर अपनी बीवी की गुलामी। अम्मा कहाँ जाओगी, कहाँ जाओगी तुम? जहन्नम में जाऊंगी, तुझे इससे क्या, किसी दरबार पर बैठ जाऊंगी, दो वक्त की रोटी तो मिल जाएगी बगैर मायके का। तू फैल को फोन कर दूंगी, ले जाएगा मुझे वो। अम्मा अम्मा देखो मुझे ये बता दो शहजादी कहाँ है। अरे क्या बात है अम्मा, सब खैरियत तो है ना? चल चल माँ है मेरी, निकल यहाँ से। अरे माए तो घर पर लेकर जाओ ना, रोड पर तमाशा तो ना लगाओ। मुझे ना सिखा कि क्या करना है, क्या नहीं करना। कोई मसला नहीं है तुझा। अम्मा देख, अम्मा दफा हो जा, सही नहीं कर रही अम्मा, मत रोक मुझे, दफा हो जा। अम्मा तू सही नहीं कर रही, मुझे बता दे शहजादी कहाँ है। चल जल्दी कर अम्मा, ठहर जा, झड़ने तो दे मुझे। अम्मा देख, अम्मा मुझे बता दे शहजादी कहाँ है। अरे नहीं बता, रक्षा वाले रोक, रक्षा वाले रोकता नहीं है, चल। अम्मा देख अम्मा, चल चल।
डर क्यों रही हो? बैठ जाओ। बैठ जाओ। बैठ जाओ। घबराने की जरूरत नहीं है, हमारी शादी हो गई है, अब मैं तुम्हारा शौहर हूं और ये तुम्हारा घर है। मुझे घर जाना है। मैंने तुमसे कहा ना कि हमारी शादी हो गई, अब ये तुम्हारा घर है, अपने उस घर जाने की बात मत करना, समझ गई? मैंने तुमसे शादी इसलिए की है कि तुम मुझे पसंद हो, और मुझे शादी की जरूरत भी थी। कुसिया की सेहत हर वक्त खराब रहती है, वो इसलिए बीमार रहती है कि वो ठीक होना नहीं चाहती। अब उसका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। घर की हर चीज को अच्छी तरह देख लो। कुसिया गुस्से की तेज है, बीमारी में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, लेकिन तुमने उसकी किसी बात का पलट कर जवाब नहीं देना, ठीक है? और सवेरा अब तुम्हारी सहेली नहीं है, उसके साथ तुमने वैसे ही रहना है जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारी मां तुम्हारे साथ रहती थी। सुबह जल्दी उठने की आदत है मुझे, सबसे पहले उठकर चाय पीता हूं, उसके बाद तैयार होने जाता हूं। तैयार होने के बाद नाश्ता करता हूं, फिर काम पर चला जाता हूं। जब मैं काम पर चला जाऊं तो तुम बिल्कुल फ्री हो, इस पूरे घर में तुम्हारा जो जी मैं वो करो, लेकिन इस घर से बाहर कदम निकालने की इजाजत नहीं है तुम्हें। अगर कोई बहुत जरूरी काम होगा तब भी तुम इस घर से बाहर कदम नहीं निकालोगी। शाम को जब मैं काम से वापस आता हूं तो मुझे घर बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए, खाना तैयार चाहिए। अगर ये सब कुछ इसी तरह बिल्कुल ठीक चलेगा तो मुझे कोई एतराज नहीं, अगर नहीं तो मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगा, क्योंकि गुस्से का बहुत तेज हूं मैं। जी। चाय बना कर लाओ मेरे लिए। जी। सुनो, अपने लिए भी बना लेना। सुनो, मीठे का बहुत शौकीन हूं मैं। तीन चम्मच चीनी डालना मेरे चाय में। मेरा कप अलग है, उसी में बना कर लाना। सवेरा से पूछ लेना। जी, ठीक है। क्या हुआ, कुछ पता चला?
शहजादी कहाँ है, आंटी कहाँ है? वो रक्षा में बैठ के चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? कैसे चली गई वो? तुमने रोका क्यों नहीं उन्हें? और तुम वापस घर क्यों आए हो? जाओ जाओ उन्हें ढूंढो, वापस लेकर आओ घर में। कहाँ से लेकर आओ, मुझे क्या पता कहाँ गई है वो? क्यों नहीं पता तुम्हें? तुम्हारी बच्ची है वो, और तुम अच्छी तरह जानते थे तुम्हारी माँ के करतूत, तुम्हें पता था कि वो क्या करने वाली है। मैं तुम्हें बता रही हूँ जुल्फी, अगर शहजादी वापस इस घर में नहीं आए ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नाम मतलब अपनी गंदी जबान से मेरा। किस कदर घटिया शख्स हो तुम? बच्चे पैदा क्यों किए जब उन्हें पाल नहीं सकते थे, उनका ख्याल नहीं रख सकते थे? तो उस औरत ने शादी करा दी तुम्हारी बेटी की, बेच दिया उसको, तुम्हारी बेटी को, और तुम अभी सर झुकाकर खड़े हो? जाओ जाकर ढूंढो उसे, सुराख लगाओ, पता लगाओ उसका, इस जुल्म को रोक लो। बेटी है वो तुम्हारी, अगर अभी तुमसे कुछ नहीं होता तो ठीक है, तुम यहां इस घर में रुको, बच्चों का ख्याल रखो, मैं खुद जाके करती हूं। मैं जाता हूं, मैं करता हूं कुछ, मैं करता हूं कुछ, करता हूं कुछ मैं। चलो बता क्या बोल रही थी, क्या बोल के गया है जुल्फी? क्यों बताऊं? मेरे भाई के सामने मेरी इतनी बेइज्जती करके गया है। अब बस भी कर दे, टेंशन में था, नहीं समझ में आया, जो मुंह में आया बोल दिया, अब इसको दिल से लगाने की क्या जरूरत है? तो मैं टेंशन में नहीं थी, जाने भी थे। अच्छा बता क्या बता रही थी? अब बताने को बचा ही क्या है, जुल्फी कह के गया कि उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, सब ताल्लुक तोड़ के गया, और उसकी बीवी इतनी बेइज्जती की है मेरी, इतनी बेइज्जती की है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ताल्लुक खत्म करके गया है ना, तो जाए, मुझे भी उसके साथ निभाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है कि अम्मा भी उनके साथ ही मिल गई हैं, जाके एक खैरियत की खबर नहीं थी, मुझे तो लगता है कि उसी ने कुछ पट्टियां पढ़ाई हैं। अम्मा से तो मैं बात करूंगा। क्या जरूरत है अम्मा को फोन करने की? हम फोन करेंगे ना तो उन्हें लगेगा कि हमारे दिल में कोई चोर है, ये उन्हीं का फर्ज था कि वहां पहुंच के अपनी खैरियत की इत्तला देती। चाय बनानी नहीं आती तुम्हें? आती है। सवेरा से सीख लेना, ये ले जाओ वापस, और सवेरा से कहो वो बनाकर लाएगी चाय। ये तो गूंगी है, चल जाएगी। जब मैं अम्मा से कह कर गई थी कि दो चार दिनों में वापस आके मैं खुद बच्चों को लेके जाऊंगी, तो क्या जरूरत थी यहाँ पे छोड़ के जाने की? आपकी हरकत की वजह से क्या हुआ, कुछ पता है आपको? आयशा क्या हो गया बेटा, तुम्हारी अम्मा बात कर रही हूँ मैं। तो फिर आप ही बताएं, जब अब्बा शहजादी को यहाँ छोड़ने आ रहे थे तब आपने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? हैदराबाद ही गई थी ना, कुछ दुनिया से तो नहीं चली गई थी जो मुझसे रब्ता नहीं कर सकती थी आप? बेटा तुम्हारे अब्बा तो शहजादी को छोड़ने गए नहीं, वो तो शमसा बेगम आई थी, वो लेकर गई है। और तुम्हें तो पता है बेटा, मुझे तो नंबर ही याद नहीं रहते, तुम्हारे अब्बा ने तो फोन तोड़ दिया था, अब खैर से तुम्हारे साथ रब्ता हुआ है। अच्छा ये बताओ तुम तो ठीक हो ना, सब खैरियत है ना? और वो जानू उसका क्या हाल है, टांग उसकी ठीक है? मां आपको पता है कि सुल्फी की माँ शहजादी की शादी किससे करवाना चाहती थी? हैं? क्या कह रही है,
क्या मतलब है? वही जो आप समझ रही है, मुझे उसे वापस लेकर आना है, जल्दी बता कर आप जानती हैं तो। अल्लाह, अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे नहीं पता, आखिर ये कब हुआ कैसे हुआ मुझे कुछ पता नहीं है। दुआ करो अम्मा, मुझे शहजादी का कहीं से पता चल जाए। बेटा तू जाओ ना, जाकर शमसा बेगम से बात करो, उससे पूछो। निकल गई है वो जुल्फी की है ढूंढने के लिए। मैं बाद में आऊंगा। बेटा जाकर मोहल्ले वालों से पूछो, आस पड़ोस से पूछो, किसी को तो बता कर गई होगी। तुम कहो तो मैं आ जाऊं। नहीं नहीं अभी नहीं, जब जरूरत होगी मैं बता दूंगी आपको। बेटा जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। अरे सारी मालूमात हासिल करो। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ओ खुदा हाफिज, बस जल्दी करो। चुप, बहुत बोल लिया, बकवास बंद और खाना ला के दो, जाओ। बहुत सोच समझ कर मैंने ये फैसला किया कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, तलाक चाहिए मुझे। जानू जानू क्या हुआ बेटा? वो मुझे डर लग रहा है मासो। बेटा अब आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप अपने घर में हैं मेरे पास। बस बेटा यहीं तक ही जाना है, चलो ना मेरे साथ, पापा भी घर पे नहीं है, मैं आपको इस तरह के लिए नहीं छोड़ सकती, तैमूर भी जाएगा। आप मुझे कहीं बाहर तो नहीं छोड़ कर आएंगी ना? मैं आपको कैसे कहीं छोड़ के आ सकती हूँ, आप तो मेरे सबसे अच्छे बच्चे हैं। चलो ना बेटा प्लीज, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। चलो उठो जल्दी करो, शाबाश, हमें बहुत जरूरी काम से जाना है। चलो चप्पल पहनो आओ। Thank you.
अरे अम्मा का फोन आया था, कल मुझे जाना है कराची। क्यों? अम्मा को लेने, वो अब हमारे साथ ही रहेंगी। क्या? क्यों? मेरा मतलब है कि क्या मतलब? अबे जुल्फी ने निकाल दी अम्मा को घर से बाहर। क्या? घर से निकाल दिया तुफैल साहब? ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ये हो चुका है, निकाल दिया उसने घर से बाहर। सही कहती थी तू, आयजा और जुल्फी की शादी करवाना ठीक नहीं था। चले अब जो हुआ सो हुआ, अब सोचना ये है कि इस लड़की को नकेल कैसे डाली जाए। आज इसने अम्मा को निकाल दिया है, कल को पता नहीं क्या करेगी। अरे जिसने अम्मा को कुछ नहीं समझा वो आपको और मुझे क्या समझेगी? नहीं तो कहती हूँ तो फैल साहब घर का फैसला निपटा लें, ऐसा ना हो कल को पूरे घर पे कब्जा कर ले और हमें पता भी ना चले। बात कोई भी हो रही हो, तू अपने मतलब की बात ले आती है बीच में। इसमें मेरी मर्जी कहाँ से आ गई तुफैल साहब? आप खुद सोचे अम्मा को घर से निकालने का मकसद क्या हो सकता है? पूरे घर पे कब्जा कर लेगी, आगे आपकी मर्जी है, माने या ना माने। कल को फिर यही कहेंगे, हाँ सुबगो तू ठीक कह रही थी, ना उस लड़की को ब्याहने का फैसला सही था और ना तुम्हारी बात ना मानने का। अब जा कहाँ रही है? सामान पैक ना करूं, कल कराची जाना है ना। शुक्रिया। घबराते नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। तुम्हें यकीन नहीं अपनी मासू पर? मैं अब बाहर नहीं जाना चाहता मासू, मुझे अब घर में ही रहना है। आप भी ना मुझे अब बाहर नहीं लेकर जाएंगी? अच्छा अच्छा ठीक है, अब मैं तुमसे कहीं जाने के लिए नहीं कहूंगी, ठीक है? जी। अच्छा चलो अब कपड़े बदल लेते हैं, नींद आ रही है ना, सोना है आपको? नहीं। अच्छा कपड़े तो चेंज कर लो, सोने की कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, इतनी देर कर दी? जी वो मैं दुकान साफ करवा रहा था आज। जैसे तुम कहोगे मैं मान तो लूंगी, लेकिन एक बात बता दूं कि दुकान जो है वो सहपहर से बंद है। सच बोला करो बेटा माँ से। ऑडिशन के लिए गया था मैं हसन के साथ, वहीं देर हो गई। हसाम आया था, ये बैग देकर गया, इसमें तुम्हारे कुछ कपड़े हैं। कह रहा था कि बहुत दिनों से तुम उससे मिले नहीं हो। क्या बात है, कोई नाराजगी है तुम दोनों की? सॉरी अम्मी, झूठ बोला था आपसे, हसान के साथ नहीं गया था। मुझे पता था बेटा, मैंने दानिस्तन तुमसे नहीं पूछा, जाहिर है तुमने बताना भी नहीं था। नहीं असल में वो बात नहीं है, मैं आपको। अच्छा ये बताओ आयजा से मिले? आपको किसने बताया? नहीं मुझे तो किसी ने भी नहीं बताया। अच्छा ये बताओ कि उसने तुम्हें बुलाया या तुमने? नहीं उसने कहाँ बुलाना था मुझे, उस रास्ते में देखा था, बात नहीं हो सकी क्योंकि उसका शौहर उसके साथ था। मैंने बात करना चाही लेकिन उसने मना कर दिया, कहा कुछ नहीं उसने लेकिन उसकी आंखें यही चाहती थी। अच्छा उसकी आंखों का कहा तुम्हें नजर आ गया, लेकिन माँ के मुंह से निकली हुई बात तुम्हारे समझ में नहीं आती? क्यों अपने लिए और उसके लिए परेशानियां पैदा कर रहे हो बेटा? मम्मी वो कुछ नहीं है,
वो इंसान कभी भी उसे खुश नहीं रख सकता। लेकिन बेटा वो उसके साथ रहने की कोशिश तो कर रही है ना, और खुश रहने की भी कोशिश कर रही है। तुम भी उसके बगैर खुश रहने की कोशिश करो। क्यों समझ नहीं आ रही मेरी बात? भाई खाना दे दो। खाना दे दो, क्या हो गया? आपसे कहा था ना शहजादी को मत भेजे उसकी दादी के साथ। शादी करवा दी उसने आपकी नवासी की। खेलने कूदने पढ़ने की उम्र थी उसकी। काश उस वक्त आपने मेरी बात मान ली होती। डाल दो ये बात भी मेरे खाते में डाल। मेरा इसमें कोई किरदार नहीं है। और शादी करवा दी है तो क्या बुरा किया है भाई? जो काम कल होना था जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा। उसकी उम्र का अंदाजा है आपको? पता है ना क्या उम्र है उसकी? इस बात की ना तो कानून इजाजत देता है ना ही मजहब। और तुम्हें किसने इजाजत दी है कि तुम दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करो? उनके घर का मामला है, उनकी बच्ची है, जो चाहे उसके साथ करें। काश आप एक औरत होती तो आपको अंदाजा होता कि किसी दूसरी औरत बल्कि किसी बच्ची के हक में बोलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। आपके लिए बस इतना ही है कि मुझे नफरत होने लगी आपसे। आज पछताती हूँ। उस वक्त अपने भाइयों की बात मान ली होती तो ठीक था। बस चुप चुप, बहुत बोल लिया, बकवास बंद और खाना ला के दो, जाओ। बहुत सोच समझ कर मैंने ये फैसला किया कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। तलाक चाहिए मुझे। क्या क्या मतलब है? क्या कह रही हो तुम? होश में हो? पागल हो गई हो? और कुछ नहीं मिला मुझे परेशान करने को तो ये शोशा छोड़ रही है? अच्छा, मुझे तलाक देकर आप परेशान हो जाएंगे? लेकिन क्यों? मेरी तो कभी आपकी नजर में कोई हैसियत नहीं रही। मुझे तो एक बोझ की तरह ढोया आपने। मेरी नियत में खोट है ना, और अल्लाह भी मुझे खुशियां दिखा दिखा कर छीन लेता है, यही मानना है ना आपका? आपको अंदाजा है गुलजार साहब कितनी बार आपने मुझे तलाक की धमकियां देकर डराया? आज तलाक का नाम सुनकर आप डर गए? तो दे दे तलाक और कर ले अपना शौक पूरा। कुछ पता चला? तुम्हें चला? अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, बहुत बुरा हुआ। सबने बहुत बुरा किया मेरे साथ। हमेशा से ये होता रहा। तुम्हें एहसास अब जाके हुआ। अफसोस इस बात का है कि तुम्हें एहसास अब हुआ।
जब बहुत कुछ गलत हो गया हमारे साथ जो नहीं होना चाहिए था। जानू जानू इस एहसास के साथ कैसे अपनी जिंदगी गुजारेगा? और शहजादी? नहीं, अब मैं गलत नहीं होने दूंगा अपने बच्चों के साथ। वापस लेकर आऊंगा। मैं अपनी शहजादी को वापस लेकर आऊंगा। कुछ भी करूंगा लेकिन उसको इस तरह रहने नहीं दूंगा मैं। ऐसा कहते थे कि ये लोग मेरे बच्चे के दुश्मन हैं और मैं मारता था उसको। मारता था मैं उसको इस बार। वो कहती थी कि मेरे बच्चों से मोहब्बत करो, उनका ख्याल रखो, लेकिन मुझे अपनी अम्मा और भाईजान के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। मैं अपने बच्चों का दुश्मन, अपने बच्चों का मुजरिम हूं। दिल ना मिला था पहले गम से, दिल ना मिला था पहले गम से, दर्द ही दर्द है इसमें कसम से, दर्द ही दर्द है इसमें कसम से।